today we learn language study. It is from the lesson The Unsinkable Ship on page number 95. Dear students, it is very important part. Language study, after every lesson, when we finish, we solve the exercise, workshop, like that, language study. इसी तरह language study ये part बहुत important होता है. खास तौर से scholarship के जो बच्चे होते हैं, उनको ये समझना बहुत जरूरी है. Now today here, we see type of sentences, जुमलों की किस्में. Here are three types, simple sentence, complex sentence, कंपाउंड सेंटेंस. व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे. प्लीज ओपन योर बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 95, लैंग्वेज स्टडी. हियर वी रीड इन ए वेरी शॉर्ट सेंटेंस, बहुत ही छोटे जुमले में यहां पर इसकी हम लोग तारीफ पढ़ेंगे. ए सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज ओनली वन सब्जेक्ट. यानी सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो, यानी कि फाइव, जैसे आई, ही, शी, मी, माय, दिस ऑल द सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट रहेगा और प्रेडिकेट रहेगा और वर्ब रहेगा. सब्जेक्ट यानी कि फाइव, प्रेडिकेट यानी कि इसके बारे में खबर देना, जिसको हम लोग उर्दू पढ़ते थे ना, मुक्तेदा खबर, वही चीज है बच्चों. वर्ब यानी जिससे काम मालूम पड़ता है. तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है. यहाँ उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, आपकी बुक में भी लिखी है बच्चों, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, देखो. शी वेंट होम, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, प्रेडिकेट भी है, यानी वो घर गई, एकदम आसान था. सेकंड एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग नियर माई स्कूल आई सॉ ए स्नेक. अब यहाँ पर तीनों चीजें बच्चों, अगर आप लोग गौर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और उसके बारे में प्रेडिकेट यानी खबर भी है. अब देखेंगे यहाँ पर सेकंड सेंटेंस, इन द मॉर्निंग सुबह में नियर माय हाउस, मेरी नियर माय स्कूल, मेरी स्कूल के करीब आई सॉ ए स्नेक. अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और खबर भी है, प्रेडिकेट भी है. तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया. अब सेकंड वन देखेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई रीड, लिसन केयरफुली. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, दो ऐसे जुमले जो अपने आप पर मुनासिर हो, वो किसी का सहारा नहीं ले रहे हो, वो अपने आप में बात को मुकम्मल कर देते हो, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. उसकी एग्जाम्पल यहां लिखी है, शी वेंट होम. और आगे इसमें देखो और क्या लिखे बच्चों, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी वो अपने आप पर ही मुनासिर है, अपने आप पर डिपेंड है. एग्जाम्पल से हम समझते हैं, शी वेंट होम, वो घर गई, आफ्टर स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल की छुट्टी हो गई वो घर चली गई. दोनों जुमला अपने आप में मुकम्मल है. अब यहां पर भी हम देखेंगे तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और यहां वाज जो है ये वर्ब का जमाना टेंस जाहिर कर रहा है. वेंट या ऑलरेडी पास्ट टेंस है, वाज इसी के लिए यूज हुआ है ना, ये था, ये वर्ब के ही के लिए यूज हुआ है, इससे हमको जाहिर होता है कि जुमला जमाने माजी का है. सेकंड एग्जांपल, द बॉय फाउंड द बुक व्हिच हैड बीन लॉस्ट. बच्चों ने वो किताब पा ली जो कि गुम चुकी थी, जो कि खो गई थी. अब यहां पर हम देखेंगे फाइंड का पास्ट टेंस फाउंड है, ठीक है, यहां पर वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है और इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन वो भी इस्तेमाल हुआ है. तो इसमें भी देखेंगे दोनों सेंटेंस अपने आप पर डिपेंड है. थर्ड वन इज कंपाउंड सेंटेंस. व्हाट इज दिस कंपाउंड सेंटेंस, हम लोग पढ़े बच्चों कंपाउंड वर्ड, जिसको उर्दू में हम कहते थे मुरक्कब अल्फाज, है ना, दो छोटे छोटे लफ्ज मिलकर एक वर्ड बनता था, वो कंपाउंड वर्ड था. अब यहां देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो अलग. कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, यहां consist of two or more independent or coordinate clause. They are joined by coordinators. हाँ, वो दो जुमले जो अपने आप में तो डिपेंड हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए कोई वर्ड यूज होता है, जैसे एम और बट, जिसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़े इंटरजंक्शन, है ना. तो ये सब क्या है, जो दो जुमलों को जोड़ता है वो कंपाउंड सेंटेंस रहेगा. इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, he finished his work.
एंड ही लेफ्ट हिज ऑफिस, वो अपना काम मुकम्मल कर लिया, इसके बाद वो ऑफिस से चला गया। यानी दोनों जुमलों को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। इसी तरह सेकंड देखेंगे, ही इज पुअर, वो गरीब था, बट लेकिन ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार था। अब यहां ये दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है। तो दो जुमलों को जो बीच में जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं ना, एंड, बट, इस तरह और, नॉट, ये सारे क्या कहलाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। एकदम इजी है। जुमले की तीन किस्में, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, उनकी एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखी है। अब यहाँ आप लोग को एक क्वेश्चन है, बच्चों देखेंगे, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तीनों की दो दो एग्जाम्पल हमको इस सबक में से ढूंढ कर लिखनी है, ठीक है। अब उससे पहले यहाँ पर छह सेंटेंसेस लिखे हैं, आप लोग बुक में देखेंगे तो उसके यहाँ पर मैं आंसर्स लिखा हूँ। जैसे पहला सेंटेंस है, दे फेल्ट सेफ, एकदम छोटा सा आसान था, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और उसमें प्रेडिकेट खबर भी है, तो ये पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है, कैप्टन स्मिथ न्यू डैट, कैप्टन स्मिथ जानता था कि देयर वेयर आइस बर्ग्स नियर बाय, के करीब में बर्फों के तोते हैं। अब यहां पर देखो, ये दूसरा सेंटेंस जो मैं पढ़ रहा हूं, कि किसकी मिसाल है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, क्योंकि यहां पर दो जुमले हैं और दोनों में एक से ज़ायद क्लॉज यूज हुए हैं, जिसमें एक से ज़ायद क्लॉज यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। इसी तरह और जो बाकी चार सेंटेंस है बच्चों, वो आप लोग को पढ़ना है और आप लोग को देखना है कि वो किस टाइप के सेंटेंस है। समझ में आया बच्चों? मुझे उम्मीद है इसको आप लोग बुक में एक मरतबा और देखो और पढ़ो, आप लोग का ये एकदम पुख्ता हो जाएगा, ठीक है। जज़ाकअल्लाह।